दोस्तों आज तारीख 31 मई 2024 इस महीने का अंतिम दिन शुक्रवार हो गया और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक दुख भरी खबर, कल ही आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें यात्रियों से भरी उत्तर प्रदेश की बस खाई में गिर गई और 22 श्रद्धालुओं की जान चली गई। भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि इन सभी तीर्थ यात्रियों को। जम्मू कश्मीर में इनकी बस 150 फीट गहरी खाई में गिरी। इनमें से ज्यादातर यात्री उत्तर प्रदेश के हाथरस और अलीगढ़ से थे, ये शिवखोड़ी जा रहे थे। इस घटना में 69 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा जम्मू पुंछ राजमार्ग पर हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसमें हाथरस अलीगढ़ के अलावा राजस्थान के तकरीबन 90 लोग सवार थे और ये सभी उत्तर प्रदेश के हाथरस से बस नंबर 20 से रवाना हुए थे जो शिवखोड़ी जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 2-2 लाख रुपए का अलग से मुआवजा देने और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। ईश्वर इन श्रद्धालुओं के घर वालों को हिम्मत और हौसला दे इस दुख की घड़ी में, हम सबकी यही प्रार्थना और दुआ है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी, 90.3% छात्राएं पास हुई जबकि 86.7% छात्र सफल हुए। चलिए खबर है, ब्रिजभूषण बोले कि हादसे की जिम्मेदारी ड्राइवर लेगा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा इनके काफिले से 2 लोगों की जान चली गई और इस पर कर्ण भूषण ने कहा कि मुझे आरोपी की तरह दिखाया गया, लेकिन इनका कहना कि हादसे की जिम्मेदारी ड्राइवर को लेनी होगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ में 100 से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती से हाहाकार मच गया, सड़कों पर उतर आए लोग बाग। प्रदर्शन में 80 साल के बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। रोजाना 5,000 से ज्यादा शिकायतें आ रही बिजली कटौती की और खराबी की, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो ट्रांसफार्मर भी लगातार खराब हो रहे हैं। बिजली विभाग के मुताबिक रोजाना 25 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं और गर्मी की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई। मैं आपको आगे बताऊंगा मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, वाराणसी काशी के फर्स्ट टाइम वोटर्स को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी और 93,500 युवाओं से कहा कि आप स्वयं साक्षी हैं, 10 साल में हमारा ईमानदार काम आपसे छुपा नहीं है। और प्रधानमंत्री ने काशी के लोगों को कहा, भोजपुरी में मैसेज भेजा और बोले कि 1 जून को हमें नया रिकॉर्ड बनाना है, आप लोग मेरे दिल में बसे हुए हैं। वैसे अभी 200 से ज्यादा सार्वजनिक कार्यक्रम और 80 इंटरव्यू के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव अभियान का समापन किया। लगभग 172 रैलियां की पीएम मोदी ने, राहुल गांधी ने 107 रैली की और चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब 7वें चरण के चुनाव की वोटिंग होगी कल। 57 सीटों पर 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय होगा, आप भी वोट डालने जरूर जाएं। और अभी देखिए चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में पहले पूजा की और फिर 45 घंटे के लिए ध्यान में लीन हो गए, मेडिटेशन करेंगे ये। विवेकानंद रोग पर 45 घंटे का इनका ध्यान रहेगा। कन्याकुमारी में 1 जून तक रहेंगे। इससे पहले इन्होंने भगवती अम्मन देवी की पूजा भी की यहाँ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की पूजा से लेकर ध्यान में मग्न होने तक की। ये वही लोकेशन वही जगह है दोस्तों और उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री जहां साल 1892 में स्वामी विवेकानंद ने तप किया था और इससे पिछले वाले चुनाव में केदारनाथ में प्रधानमंत्री ने ध्यान किया था, आपको पता होगा ये तस्वीरें आपने देखी होगी है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक ने मांगी शादी की इजाजत लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि बिना धर्म बदले शादी अवैध होगी, चाहे लिव इन में रह सकते हैं। ये फैसला तो वैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया है, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इससे पहले आप समझिए जरा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तो कहा कि बिना धर्म बदले हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी अवैध है और हाईकोर्ट ने इन लड़का लड़की को सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके उलट फैसला एक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया एक केस की सुनवाई करते हुए। देखिए प्रयागराज हाईकोर्ट का अहम फैसला, लिव इन में रह रहे जोड़े बिना धर्म बदले भी शादी कर सकते हैं, विशेष विवाह अधिनियम के तहत इन्हें इजाजत दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक बयान में कहा कि लिव इन में रह रहे जोड़ा बिना धर्म बदले भी शादी कर सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उन्हें इजाजत दी गई। जबकि इससे पहले हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही मुस्लिमों को लेकर फैसला सुनाया था कि मुस्लिमों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म मानने वाला कोई भी शख्स लिव इन रिलेशनशिप में रहने का दावा नहीं कर सकता है ना। तो ये कुछ हाईकोर्ट के अहम फैसले रहे। और वहीं देखिए मौसम समाचार पर बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, हीट स्ट्रोक की वजह से अब तक 73 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अभी राहत की बात यह कि यूपी के कुछ जिलों में आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ और ये जो लोगों की जान गई देखिए कुछ अलग अलग जिलों में, लू की वजह से 39 लोगों की जान गई है, महोबा में 14, चित्रकूट में 6, बांदा हमीरपुर में 4, झांसी और उरई में 1-1 व्यक्ति की जान चली गई। अब यूपी में आज 31 मई से लेकर 2 जून तक आंधी तूफान के साथ कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से यह भविष्यवाणी जारी की गई। 1 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश होगी कल। हालात देखिए जरा गर्मी के, उत्तर प्रदेश में इस सीजन का पारा पहली बार 49 डिग्री सेंटीग्रेड के भी ऊपर पहुंच चुका है। आगरा में 26 साल का रिकॉर्ड
टूट गया। यूपी के 20 शहरों में 45 से ज्यादा तापमान चल रहा है। हालांकि आगरा वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली क्योंकि यहां तेज बारिश भी देखने को मिली। मथुरा में भी आंधी चली, कार पर एक पेड़ गिर गया। अयोध्या में बिजली घर पर बच्चों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। 36 घंटे में उत्तर प्रदेश में 56 मौतें हुई हैं। वाराणसी में भी देखिए आप, भीषण गर्मी की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। रायबरेली से आया युवक ट्रक में अचेत मिला। और देश के लिए एक राहत की बात यह है कि मानसून की एंट्री हो चुकी है। केरल राज्य में जमकर बारिश शुरू हुई, केरल मानसून पहुंच चुका। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दी और अब पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों की ओर आगे बढ़ने जा रहा मानसून। 27 जून तक मानसून की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन इससे पहले ही उत्तर प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मानसून आ जाएगा। और वहीं देखिए, हीट वेव की वजह से जो ये लोगों की मौतें हो रही हैं, इस पर हाईकोर्ट ने भी एक्शन लेते हुए सरकार को एक बड़ा निर्देश दिया, क्योंकि 49-50 डिग्री तापमान चल रहा कई जगहों पर, तो इस पर चिंता जताई राजस्थान हाईकोर्ट ने और कहा कि हीट वेव को भी आपदा घोषित करने की जरूरत है। सरकार को नसीहत देते हुए हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि हीट वेव और कोल्ड वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार। हालांकि 2015 में इस तरह का विधेयक लाई थी मोदी सरकार, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ा अभी भी। अब हाईकोर्ट ने कहा कि हमें धरती माँ को बचाना है और इसीलिए हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, यूपी देवरिया में अगले 48 घंटे तक सार्वजनिक सभाओं पर रहेगा प्रतिबंध। 1 जून को वोटिंग होनी है, उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल होगी, जुर्माना या दोनों सजा होगी। देवरिया में 1 जून को होने वाले मतदान को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। और ऐसे ही देखिए आप, चंदौली में भी 1 जून तक शराब की दुकानें बंद रहेगी, डीएम की तरफ से आदेश हुआ जारी। नियम की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। और अभी तो दोस्तों अपन कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंदौली पहुंचे और बोले कि डायनासोर की तरह गायब हो जाएगी कांग्रेस। अगले 10 सालों में लोग भूल जाएंगे कि कांग्रेस भी कोई पार्टी थी और साइकिल तो पहले ही पंक्चर हो गई है। बड़ी खबर देखिए, कानपुर में डीएम ने 36 स्कूलों को नोटिस थमाया क्योंकि ये स्कूल आरटीई के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे थे। लेकिन अब इन स्कूलों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, बोर्ड से मान्यता भी खत्म करा दी जाएगी अगर आदेश की मान्यता नहीं मानी तो। चलिए खबर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने मांगा था समय, 2 वादों की बहस पूरी हुई। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुशीनगर भी पहुंचे, यहां बोले कि सपा समाप्त और कांग्रेस विलुप्त। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की जाएगी। चलिए खबर है, लखनऊ पुलिस की पहल देखिए, 101 लोगों के खोए हुए मोबाइल वापस मिले। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से खोए और चोरी हुए मोबाइल को वापस लोगों को दिया। और वहीं देखिए, योगी आदित्यनाथ ने भी हमला बोलते हुए कहा कि दीदी ने 54 साल पहले दिया था गरीबी हटाओ का नारा, अब राहुल गांधी आए गरीबी दूर करने का नया फॉर्मूला लेकर। और भारत की एक और नई उपलब्धि देखिए दोस्तों, भारतीय स्पेस मिशन के लिए ऐतिहासिक पल रहा, अग्निबाण रॉकेट का सफल लॉन्चिंग हो पाया। स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस की तरफ से ये अग्निबाण SORTED को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और इसरो ने भी बधाई दी। और ये इस स्पेस स्टार्टअप का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। ये रॉकेट देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन से पावर्ड है और इसमें दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन भी लगा हुआ है। इसरो के श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। और वहीं देखिए, हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात, टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली कंपनियों में भारत का दबदबा देखने को मिला। रिलायंस, टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट, ये तीनों कंपनियां शामिल हुई। दरअसल टाइम मैगजीन की तरफ से दुनिया की वर्ल्ड टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट जारी की और इसमें 3 कंपनियां भारत की भी शामिल है। चलिए बड़ी खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि तंबाकू सेवन की वजह से पुरुषों में 60% तक नपुंसकता का खतरा रहता है। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है और इस मौके पर KGMU में एक्सपर्ट बोले कि इलाज से दूर होगी तंबाकू की लत। दोस्तों वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर आप भी प्रण लें, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आप दूसरों को भी तंबाकू छोड़ने की सलाह देंगे और वर्ल्ड नो टोबैको डे पर स्टॉप स्मोकिंग का प्रण लें। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकिंग फ्रॉड को लेकर जानकारी दी और कहा कि बैंकिंग सेक्टर में ही इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी हो रही है। देखिए रिजर्व बैंक की तरफ से डेटा भी जारी किए गए कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में बैंक धोखाधड़ी के मामले 166% बढ़कर 36,075 तक पहुंच चुके हैं, जबकि इससे पिछले वाले FY23 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 13,564 फ्रॉड के मामले ही थे। मतलब देखिए जस्ट डबल से भी ज्यादा हो गए, दुगने से भी ज्यादा। RBI ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये बात की जानकारी दी। तो आप भी धोखाधड़ी से बचने के लिए ये कुछ जरूरी सावधानियां अपनाएं, RBI की तरफ से टिप्स जारी किए गए। और वैसे दोस्तों रिजर्व बैंक ने एनुअल रिपोर्ट भी जारी की जिसमें भारत की वृद्धि दर को 7% रहने का अनुमान जताया है वार्षिक रिपोर्ट में, है ना। और भारत में चल रहे नोटों को लेकर भी RBI ने डेटा जारी किया कि मौजूदा समय में 500 रुपए के नोट सबसे ज्यादा चलन में है और इनकी कुल हिस्सेदारी 86.5% पर पहुंच चुकी है। और क्योंकि 2000 रुपए के नोट तो बंदी हो चुके हैं, तो अभी 100-200 के नोट बहुत कम है हमारे देश में चलन में, मतलब 14-15% के लगभग ही है, जबकि 86% से भी ज्यादा 500 के नोट चलन में है।
है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मुकेश अंबानी की बड़ी प्लानिंग। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने लॉन्च की जियो फाइनेंस ऐप। यूजर्स को कई बेनिफिट्स भी मिलेंगे इस ऐप के जरिए। क्या क्या फायदे होंगे, जैसे आप देख सकते हैं इस ऐप से आप डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजेक्शन, क्लेम सेटलमेंट, इंश्योरेंस कंसल्टेंट जैसे काम भी करवाएंगे और इंश्योरेंस ब्रोकिंग, लोन सर्विस जैसी फैसिलिटी भी आपको जियो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के जरिए मिल पाएगी इस मोबाइल ऐप से, है ना। और वैसे फोन पे ने भी एक नई सुविधा शुरू की है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं लोन से संबंधित। फिनटेक कंपनी फोन पे की तरफ से ये 6 प्रोडक्ट कौन कौन से लॉन्च किए गए देख सकते हैं आप। म्यूचुअल फंड लोन, गोल्ड लोन, बाइक लोन, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, यानी कि ये अब इस तरह के सभी लोन भी आप फोन पे के जरिए ले पाएंगे। और इसके लिए फोन पे ने कई सारी एनबीएफसी कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी भी की है। चलिए बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए त्रिनेत्र सिक्योर सिस्टम बनकर तैयार हो चुका है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से होगी निगरानी। 30,000 जवान तैनात रहेंगे सुरक्षा के लिए। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, इस बार वार्षिक तीर्थ यात्रा 29 जून को शुरू हो रही है। बालताल पवित्र गुफा और पहलगाम पवित्र गुफा मार्ग को 15 जून तक सुरक्षा बल अपनी निगरानी और कब्जा में ले लेंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा एजेंसियों के साथ रणनीति भी बनाई गई। और टेक न्यूज से खबर है, व्हाट्सएप पर आपको जल्दी एक नया फीचर मिलेगा। एआई के जरिए आप व्हाट्सएप पर अपनी पसंद की फोटो जनरेट कर पाएंगे। व्हाट्सएप इस नए फीचर को इमेजिन नाम से टेस्ट कर रहा है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना अमेरिका में रेड फ्लैग अलास्का अभ्यास में हिस्सा लेगी। राफेल फाइटर जेट दिखाएंगे अपना दमखम। और चुनावी माहौल के बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि स्टॉक मार्केट 4 जून को जा सकता है ऊपर, बाजार में मजबूत बुल रैली देखने को मिलेगी। हाल ही में आपको बताऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्टॉक मार्केट बढ़ने की बातें कही थी। और वहीं देखिए टेक न्यूज से एक और खबर, लावा युवा 5G स्मार्टफोन 9,499 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। इसमें 6.5 इंच की 2.5D कर्व्ड IPS डिस्प्ले मिलेगी, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी मिलेगा। चलिए खबर है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा के किसानों से जुड़ी बड़ी अच्छी खबर देखिए। योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और अब किसानों की हर समस्या का समाधान हो पाएगा। ये समिति राजस्व परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित की गई थी और इसमें मेरठ मंडलायुक्त और गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी भी शामिल रहे। काफी समय से किसान भाई लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो अब इस समिति का क्या कार्य होगा देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी। हर रिपोर्ट जल्द ही योगी सरकार के पास जाएगी। वही देखिए हिमाचल प्रदेश में अंतिम चरण के चुनावी प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, सरिया कानून से नहीं। हिमाचल में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बोले कि औरंगजेब की सोच वाले दुष्टों को जीवित होने नहीं देना है, इसलिए यूपी में इनसे सख्ती से निपटते हैं हम। हिमाचल में सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या और काशी का काम पूरा हुआ, अब मथुरा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। प्रधानमंत्री ने भी रणनीति बनाई कि 3 महीने में पीएम की 9 सभाएं और रोड शो हुआ। पूर्वांचल की माफिया पॉलिटिक्स पर भी निशाना साधा, 70 बार इस शब्द का जिक्र भी किया पीएम मोदी ने। और वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही अगले 125 दिनों में क्या क्या काम होंगे इसका प्लान भी तैयार हो चुका है। लोकसभा चुनाव की अंतिम रैली में पीएम मोदी ने अपना विकास प्लान भी लोगों को बताया। चलिए खबर है, इटावा में रोपे जाएंगे 8,000 पौधे, मध्य प्रदेश तक पहुंचेगी ऑक्सीजन। योगी सरकार ने तैयारी की है, वन मित्र योजना के तहत वन विभाग की ओर से ये 1,000 पौधे लगाए जाएंगे इटावा जिले में। और खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में बन रहा एक और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। अगले महीने से आपको 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेगी इस स्टेशन में। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज में जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने वाला और इससे पहले यहां प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत भी की गई है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अब यात्रियों को स्लीपिंग पॉड की सौगात भी देने जा रहा है। तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन जंक्शन पर आपको कई नई फैसिलिटी भी मिलेगी, है ना। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, क्या पीएम मोदी ही वापस पीएम बनेंगे या कोई इंडी गठबंधन से प्रधानमंत्री बन सकता है। आपकी क्या राय और विचार है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।